आगरा बाईपास रोड स्थित SRK मॉल के बाहर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस प्रदर्शन के तहत विश्व हिंदू परिषद ने पद्मावती फिल्म का विरोध करने का अनूठा तरीका अपनाया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री हेयर लेजर बने और उन्होंने फिल्म का विरोध करने के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता गोविंद पारासर का मुंडन किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मनोज है, जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ता गोविंद पारासर ने पद्मावती फिल्म के विरोध को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे पद्मावती फिल्म के रिलीज के दिन अपना सिर मुंडन कराएंगे, और उनके ऐलान में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मनोज ने साथ दिया। उन्होंने हेयर ड्रेसर की भूमिका में आकर गोविंद पारासर का सिर का मुंडन कर दिया। ये जो पद्मावती का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये प्रशासन को भी मुसीबत में डाला है और भारत की जनता को भी मुसीबत में डाला है, क्योंकि जो पद्मावती की जो लव स्टोरी इस पिक्चर में दिखाई जा रही है, जिसने अपने जीते जी और शरीर को हाथ तक नहीं लगाने दिया और इस पिक्चर में लव स्टोरी बता रहे हैं, इस चीज का विरोध जारी है। जब तक सिनेमा हॉल आगरा के नहीं उतार देंगे, जब तक ये विरोध रहेगा। अभी तो ये एक मुंडन हुआ है, जब तक ये पूरे हफ्ते में विरोध होते रहेंगे और मुंडन होता रहेगा। मैं आगरा के प्रशासन के और भी कहना कहता हूँ कि सारे जितने भी अपने मॉल वाले उनसे बात कर लें कि रात रात इस पिक्चर को अपने हॉलों से उठा लें, नहीं तो चेतावनी देते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा पूरे हफ्ते।